हे देयर, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंस डीमेट अकाउंट कैसे रेफ़र करना है एंड उसमें आपको पर रेफर कितना रुपये मिलेगा एंड उसमें अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है। तो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहोगे तो जस्ट 5 मिनट्स में आप बजाज फाइनेंस में डीमेट अकाउंट ओपन करवाओगे। लेकिन इससे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी सुन लो। अगर आप अभी के टाइम में BFSL यानी बजाज फाइनेंस डीमेट अकाउंट को रेफ़र करते हो तो आपको एक रेफर में 700 मिलेगा एंड मेरी तरफ से साइन अप बोनस 100 भी मिलेगा। और जब आप बजाज फाइनेंस रेफर करोगे तो आपको पर रेफर 700 तो मिलेगा एंड इंस्टेंटली आपको 200 मिल जाएगा जब आपका फ्रेंड सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर लेगा। एंड देन अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर 100 रुपीज़ का ट्रेड लगाता है तो आपको एक्स्ट्रा 500 मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको 700 पर रेफर मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली रेफर करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जाके क्लिक करो एंड चलिए शुरू करते हैं साइन अप प्रोसेस। हाँ, लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है एंड उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है एंड उसके बाद ईमेल आईडी डालना एंड उसके बाद अपना जो एरिया पिन कोड है उसको डालना एंड उसके बाद नीचे स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है एंड उसके बाद मोबाइल नंबर एंड अपना पैन नंबर डालना एंड उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और उसके बाद नीचे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन उसमें टिक लगाना एंड उसके बाद सबमिट कर देना। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपके फ़ोन नंबर में एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर डालना एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना एंड देन यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन में एरर आ गया तो फिर से आपको नीचे लिंक से जाना है। लिंक से जाने के बाद सेम एज फर्स्ट टाइम जैसे आपने फिलअप किया ऐसे ही फिलअप करना एंड उसके बाद यहाँ पर ईमेल डालने का ऑप्शन आएगा। तो ईमेल डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ईमेल में एक OTP जाएगा, वहाँ पर डालना, ईमेल का OTP वेरीफाई करोगे एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर देना। तो इस वाले पेज में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड से आपका नाम डिटेक्ट हो जाएगा, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना एंड उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर पैन कार्ड से डिटेक्ट हो जाएगा। या तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा आपका फर्स्ट नेम फादर्स का एंड फादर्स का मिडिल नेम एंड फादर्स का लास्ट नेम एंड उसके बाद आपका एनुअल इनकम यहाँ पर 5 to 10 लाख या लेस देन 1 लाख यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या स्टूडेंट्स जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन लास्ट जो मेन चीज़ है यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन येस और नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पर नो रखना, येस रखोगे तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एंड ये तीन ऑप्शन को यहाँ पर नो रखना। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो येस रख के नॉमिनी फिल कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नो रख के प्रोसीड पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा अगर आपको दिक्कत आएगा तो आपका क्रोम ब्राउज़र में ऊपर राइट साइड में 3 डॉट है उसमें क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड में ऑन कर देना तो डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप प्रोसीड कर पाओगे एंड बैंक सेक्शन में जाके पेमेंट या बैंक सेक्शन में जाके आपका बैंक अकाउंट ऐड कर देना। तो यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड यहाँ पर डालना तो बैंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर केयरफुली पुट करना एंड उसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट करना एंड उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने यहाँ पर फ्रीडम पैक, प्रोफेशनल पैक, बाकी सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल पेएबल 0 है फ्रीडम पैक अगर आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री है 1 ईयर तक एंड अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। तो हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पैक सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ देख रहा है तो यहाँ पर आपका